फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये क्रोशिये से बनाया हुआ है। ये लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, बच्चों की ड्रेसेस पे, किसी पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बना के बताते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कैसे बना है ये डिज़ाइन फ्रेंड्स? ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये एक बेसिक रो मैंने बना ली है। ये राइट साइड से शुरू करना है, तो एक सिंगल क्रोशिये से एक रो बना लेते हैं। ये देखिए, एक रो बना लिए सिंगल क्रोशिया से हमने, नेक्स्ट रो पे आ गया। नेक्स्ट रो पे क्या करना है, दो चेन कर लेंगे इस तरह से, एज स्टिच लगा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, यहाँ पे हम दो स्टिच छोड़ेंगे तो तीसरे में जाएंगे ऐसे। इसको पूरा नहीं बुनना हमने, ये देखिए ऐसे। और ये क्रोशिया पे तीन स्टिच है तो तीनों को इकट्ठा बुनना है। फिर एक चेन बना लेंगे, फिर इसी तरह से देखिए, और तीनों को इकट्ठा बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक स्टिच हम इस तरह से लगा लेते हैं साथ में। फिर एक चेन कर लेंगे, यहाँ दो स्टिच छोड़ के तीसरे में जाएंगे ऐसे, एक बार बुन के। तो क्रोशिया पे ही हमने स्टिच रख लेना है, फिर तीन इकट्ठा करके दो इकट्ठे बुनने हैं। फिर एक चेन ऐसे, नेक्स्ट स्टिच को ऐसे सिंपल बना लेना। फिर फ्रेंड्स, एक चेन कर लेंगे, दो स्टिच छोड़ लेंगे यहां से तीसरे में जाके चेन बना लेते हैं। यहाँ एक चेन बना लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, एक रो बन गई है। नेक्स्ट रो पे आ गई, दो चेन बना लेते हैं। अब देखना फ्रेंड्स, ये एक सिंगल स्टिच इधर लगा रखा है हमने, ये देखिए। ये डिजाइन के बाद में ये देखिए, इसको हमने ऐसे बनाना है उठा के। ये हमने उसी तरह रिपीट करना है, ये देखिए, तीन इकट्ठे करके फिर बनानी है। तीनों को इकट्ठा बुन लेना है, फिर एक चेन कर लेंगे और ये वाले स्टिच को इधर से उठा के बनाना है। ये
फिर एक चेन कर लेंगे। तो इस स्टिच को हमने ऐसे उठा के बना लेंगे। तीनों को एक साथ फिर बीच में एक चेन बना लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए, देखिए दो चेन बना लेंगे। इस तरह से हमने एज स्टिच लगा लेना है, फिर चेन कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, एक चेन बना लेंगे। फिर एक चेन, देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनता जाएगा। आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।